जी दोस्तों, आई होप आपने इंजॉय किया होगा BTS ऑफ द सोप सोया मेरा नसीब। हम बातचीत कर रहे हैं मोहम्मद एहतशामुद्दीन के साथ अबाउट टीवी ड्रामास एंड फिल्म्स इन पाकिस्तान। जी सर, सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू इज़ कि फिल्म के लिए क्या सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है फॉर अ फिल्म्स सक्सेस? इज़ इट द स्क्रिप्ट, एक्टर्स या पूरी टीम? आपके लिहाज से व्हाट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग? मेरे ख्याल है स्क्रिप्ट। अगर वो अच्छा होगा तो सब कुछ अच्छा होगा। बिल्कुल, जाहिर है उसके बाद और भी बहुत सारे एलिमेंट्स आ जाते हैं, लेकिन मेन का चीज़ तो आपकी स्क्रिप्ट है कि वो कैसे, एक स्टोरी स्ट्रांग होनी चाहिए। स्टोरी भी अलग चीज़ है जी, जो फिल्म की स्क्रिप्ट है वो, क्योंकि स्टोरी तो उसके अंदर आपको मालूम है, लेकिन वो लिखी कैसी गई है, वो सुनाई कैसे गई है, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। मतलब हम कहानी एक अच्छी हमारे पास है जी, लेकिन उसका स्क्रीन प्ले जो है वो अगर आगे पीछे है तो वो जरूरी नहीं है कि वो सक्सेस हो। और उसको भी आप, क्योंकि पूरी साइंस है इसमें, आर्ट और साइंस का एक मिलाप है। अगर फिल्म लिखी जाती है तो वो फिल्म ऐसे लिखी जाती है जैसे दिखाई जा रही हो, ये एक बड़ा फर्क है। जब आप स्क्रिप्ट पढ़ते हैं तो आप देख रहे होते हैं, तो जब आप देख रहे होते हैं तो फिर आप बिछा रहे होते हैं, जब बिछा देते हैं पूरी आप, तो फिर उसके बाद फिर आप बोलते हैं कि अच्छा, उसके बाद भी डिटेलिंग आती है और दूसरी चीज़ें हैं, वो तमाम चीज़ें डालने के बाद फिर आप, म्यूज़िक है क्योंकि हाफ इमेज है, हाफ उसका साउंड है, क्योंकि आप अंधेरे कमरे में लोगों को ले गए हैं और वहाँ जाकर आप फिल्म दिखा रहे हैं, तो वहाँ वो दो घंटे एक 100-200 आदमी, 400, समटाइम्स 500,000, वो सब किसी जगह पहुँच जाते हैं, तो वो पहुँचाना है उनको दूसरी दुनिया में ले जाना है, तो फिल्म मैजिक है। तो उसकी अपनी चीज़ें हैं जो ज़रूरी होती है और नहीं होती, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ उसकी स्क्रिप्ट। सो एंड डू यू थिंक कि हम लोग हमारी ड्रामास एंड इवन मूवीज़ यूज़ कर सकते हैं एज अ टूल टू इम्पैक्ट आर ऑडियंस? आपको लगता है कि हमारी मेंटालिटी चेंज होती है थ्रू दिस मीडियम? उसका कुछ ना कुछ असर तो होता है, और टेलीविज़न हमारे यहाँ आया ही एजुकेशन के लिए था एक्चुअली, पाकिस्तान इन्फॉर्मेशनल बिल्कुल, और पूरी दुनिया में ये जो सिलसिला है काफ़ी एजुकेशन के लिए इस्तेमाल होता है। तो हम ये बड़ी ज़िम्मेदारी है, जैसे आप कोई काम करते हैं तो जो भी लोग काम कर रहे हैं, मैं समझता हूँ सबको ज़िम्मेदारी को महसूस करना चाहिए कि हम क्या दिखा रहे हैं, हम क्या कहानी सुना रहे हैं, उससे लोग क्या उसके लोगों पर असरात होंगे, उससे सोसाइटी कैसे मुतासर होगी, अगर मुतासर होगी तो क्यों, और किस तरफ जारी होगी, अगर अच्छे वे में होगी, अच्छे वे में होगी तो बहुत अच्छी बात है। अवेयरनेस आप पहला, मतलब आप जैसे उड़ारी था, अवेयरनेस थी, और मैं तो ये कहता था कि जैसे जो बच्चियां हैं उनको फैमिली साथ बिठा के दिखाए और उनको बताए कि ये सिलसिले हैं, बच्चियां, बच्चे, उन सब के लिए, तो अवेयरनेस के लिए भी बड़ी चीज़ें ज़रूरी। तो हमें जो टेलीविज़न है उसका हमको सही इस्तेमाल हमें करना है। हम यानी पाकिस्तान टेलीविज़न जब प्लेस करता था शुरू से, तो उसमें मुख्तलिफ नौयत के प्रोग्राम्स भी चलते थे और वो सिखाते ही थे, क्योंकि वहाँ टेलीविज़न के सामने बिल्कुल ऐसे लगता था जैसे कोई क्लासरूम है और आप बैठ गए। बाज़ दफ़ा ऐसे प्रोग्राम्स भी होते थे और बड़े दिलचस्प भी होते थे, उनको पेश करने का अंदाज़ होता। इसी तरह कहानी है, चाहे वो फ़िल्म की हो, चाहे वो सिनेमा की हो, अपने टेलीविज़न के लिए हो, चाहे वो रेडियो पर आप कोई चीज़ सुना रहे हो, ये जो भी चीज़ आप लोगों के लिए करते हैं उसमें ज़िम्मेदारी को महसूस करते हुए काम करना चाहिए, ताकि सोसाइटी जो है वो पॉजिटिव उसके साथ आगे बढ़े और माशरे में जो है वो एक उसका ऑफ कोर्स दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। चलें, इन द एंड आई वुड लाइक टू नो के एनी लास्ट वर्ड्स फॉर द एस्पायरिंग फिल्म मेकर्स आउट देयर, जिनको आप कुछ वर्ड्स ऑफ एडवाइस, वर्ड्स ऑफ विस्डम दे सकें। जितने भी लोग काम करना चाहते हैं, आगे आना चाहते हैं, बस मुझे उनसे ये कहना है कि वो अगर ये काम करना चाहते हैं, ये काम या कोई और भी काम ज़िंदगी में, तो बस चलते रहें और परेशान ना हो। कहीं कहीं ऐसा लगेगा आपका सफ़र रुक गया है या आप फंस गए हैं, लेकिन वो जगह जहां आप रुके या आप फंसे, वो जगह भी आपकी ज़िंदगी में एक अहम रोल प्ले करेगी, क्योंकि वहां से भी आप कुछ सीख रहे हैं। ऑफ कोर्स, तो ज़िंदगी में कोई भी चीज़ बेकार नहीं जाती, वहां से आप कुछ सीख कर आगे बढ़ते हैं, वो लर्निंग कर्व्स होते हैं, उन कर्व्स को अगर आप क्रॉस कर जाते हैं और आप किस्म मुतय्यन होती है कि आप कहते हैं मुझे उधर जाना है, आप उधर पहुंच जाते हैं और कोई ये चीज़ आपको रोक नहीं सकती। तो ये मैं सबको कहूँगा कि काम करते रहें, शौक से करते रहें, पढ़ें बहुत ज़्यादा और अपना लिटरेचर पढ़ें,
क्योंकि आपने अपनी ज़बान में काम करना है। ज़्यादातर हमारे पास लोग आते हैं जिनको उर्दू पढ़नी नहीं आती, मैं उनसे कहता हूँ कि उर्दू पढ़ना सीखो भले किसी भी तरह से, उस उर्दू में उर्दू अदब में बहुत खूबसूरत चीज़ें लिखी गई हैं, वो ज़रूर पढ़ो ताकि तुम्हारी ज़ुबान बेहतर हो, बेहतर भी हो और तुम समझने के काबिल बिल्कुल, और फिर तुम आगे बढ़ो। तो तमाम लोग जितने चाहे डायरेक्टर्स हों, चाहे एक्टर्स हों, चाहे उसके साथ जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, वो पूरी टीम जो है उनको चाहिए कि पढ़ना शुरू करें और फिर आप आगे बढ़ें, मतलब आगे बढ़ खुद ही बढ़ेंगे क्योंकि आपने अपनी ज़ुबान में काम करना है। बिल्कुल, चलें विद दोज वर्ड्स ऑफ एडवाइस वी विल मूव टुवर्ड्स आवर एंडिंग। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस एंड थैंक यू मोहम्मद एहतशामुद्दीन, इट इज़ अ प्लेजर हैविंग यू हियर, ऑनेस्टली इट इज़ अ ग्रेट प्लेजर एंड वेरी वेरी आई एम श्योर ऑडियंस ने भी बहुत इन्जॉय किया होगा क्योंकि अक्सर हमें सिर्फ वो जो फैंसी स्टार्स वो सब देखने को मिलता है, हमें वो नहीं देखने को मिलता कि कितनी मेहनत हमारे बैक एंड पे कितनी जाती है और उन स्टार्स को स्टार्स बनाने में आप जैसे लोगों का हाथ होता है। थैंक यू सो मच, आपने मुझे इनवाइट किया यहाँ पे बात करने के लिए। और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे जो बिहाइंड द कैमरा लोग जो काम कर रहे हैं, वो सारे टेक्नीशियंस जिनके वजह से जो है ये आप इतनी अच्छी स्क्रीन लोगों को हम लोगों तक पहुँचाते हैं सबको, तो उन सब का बड़ा हाथ होता है तमाम चीज़ों में। और मैं इस प्रोग्राम के तवसत से एक दफ़ा फिर मैं पहले भी कह चुका हूँ, एक दफ़ा फिर मैं ये कहना चाहूँगा कि जो हम सेकंड लाइन जो है वो शायद तैयार नहीं कर रहे जो लोग कैमरे के पीछे होते हैं उनके, क्योंकि ज़्यादातर लोग कैमरे के सामने आना चाहते हैं। मैं समझता हूँ इक्वली बल्कि उनसे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट जॉब उनकी है जो कैमरे के पीछे हैं। तो मैं हम चैनल से ये दरख्वास्त करना चाहूँगा कि नेक्स्ट हम अवार्ड में जो हमारे टेक्निकल अवार्ड्स हैं वो ज़रूर उसका इजरा करें, शुरू करें उसको, क्योंकि उस वो अवार्ड ही है जो आपको ऐसा लगता है कि आपको काम की अपनी कोई पसीराई मिली और अप्रिसिएशन मिली है, और फिर इसकी सेकंड लाइन भी तैयार होना शुरू होगी क्योंकि लोग फिर उस कोशिश से काम करेंगे कि हाँ ठीक है हमको भी रिकग्निशन एक मिल रही है। जी बिल्कुल दोस्तों, चलें अब वक्त आ गया है हम करें अलविदा आप लोगों को विद दिस वंडरफुल एडवाइस फ्रॉम मिस्टर मोहम्मद एहतशामुद्दीन। हम बात कर रहे थे अबाउट द ड्रामा इंडस्ट्री इन पाकिस्तान। अगर आपने कुछ भी मिस कर दिया है तो प्लीज़ फॉलो अस ऑन अवर फेसबुक पेज। थैंक यू एंड बाय बाय, दिस इज शादाब खान साइनिंग आउट फ्रॉम कवर पेज।